नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में तीन ट्रेंडिंग स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा जो यहां से एक हायर ट्रेंड के तरफ जाते हुए दिखेगा। हमने हमारे टेलीग्राम के थ्रू आपको कहा कि तीन बड़े ब्रेकआउट स्टॉक मुझे दिखते हैं जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और यहां से बड़ी तेजी को तैयार होते दिख रहा है। हमने टेलीग्राम पे जो बिल्कुल फ्री है प्रीमियम टेलीग्राम, वहां पे भी शेयर करा। इस समय थोड़ा प्राइस वाइज आपको बताऊंगा। पहला स्टॉक है अशोक लीलैंड, जो शायद आप जानते ही होंगे, हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और ऑटो एंसिलरीज के अंदर देखेंगे तो ये कंपनी कार्य करती है और इसके हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर हैं और इस समय ये स्टॉक एक बड़ी तेजी को तैयार है। 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, इंडस्ट्री पीई 32 जबकि इस स्टॉक का पीई 25। ईवी के अंदर भी कंपनी बेटर कर रही है, कंपनी के सेल्स के डाटा भी बेटर रहे और इस समय इस स्टॉक के अगर क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो वो लगभग 12,000 करोड़ का सेल्स होता है और कंपनी के अंदर अगर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर 51%, 21% FI और 12% DI, यानी लगभग 85% प्रमोटर FI और DI के पास है, ओनली 14-15% पब्लिक ओन करती है और ये स्टॉक टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है। डेट देखेंगे तो 34,000 करोड़ के आसपास का डेट है और इस समय मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है टेक्निकली अगर इस स्टॉक को देखें तो लगभग जुलाई 2023 से लेकर के इस समय अप्रैल 2024 ये कंसोलिडेट जो जोन रहा है बिटवीन 170-190 और आज इस स्टॉक ने हायर वॉल्यूम के साथ अपने लेवल्स को ब्रेकआउट करे। जब ये 198 पे ट्रेड कर रहा था तो हमने अर्ली मॉर्निंग टेलीग्राम पे सजेस्ट करे और इसने ब्रेकआउट कर दिया है, इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है। पोटेंशियली 242-300 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अगर आपने SL लेना है तो 184 के नीचे ही वीकनेस आएगी। जब तक 184 को ब्रेकडाउन नहीं करे स्टॉक स्लो एंड स्टडी अपर साइड के ट्रेंड में ट्रेड करते दिख सकता है। पहला स्टॉक रहा था अशोक लेलैंड। दूसरा स्टॉक है ड्रीम फॉक्स, जो कि 548 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज इस स्टॉक के टेक्निकल ट्रेंड 0.73% के अपसाइड रहे। ये स्टॉक रिसेंट में लिस्टिंग हुई है और एयरपोर्ट के अंदर देखेंगे तो ये सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में फैसिलिट करती है क्लाइंट्स को, कस्टमर को, जिससे कि एयरपोर्ट के जो सर्विसेज हैं उसके एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सके। इस समय मुझे लगता है इसके थोड़े सर्विस को देखेंगे, ड्रीम फॉक बहुत सारे लोग के लिए नया होगा तो मैं थोड़ा बता दूं, ये इनकॉर्पोरेट 2008 में हुआ था। ड्रीम फॉक जो है इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिट करता है और इसके साथ ही देखेंगे तो कंपनी लॉन्च फूड बेवरेजेस, स्पा एंड वेलनेस, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांसिस्ट होटल रूम एसेस, गोल्फ गेम लेसंस और वीजा सर्विसेस के अंदर मार्केट लीडर इन द एयरपोर्ट लॉन्च एग्रीगेटर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसके बिजनेस भी आपको एयरपोर्ट के जो भी सर्विसेज हैं उसके इर्द गिर्द ही देख रहा है। कंपनी काफी छोटी है, 2871 करोड़ का, इंडस्ट्री पीई के आसपास ही है और मुझे लगता है कि इसके पीयर्स कंपनी भी मुझे पता नहीं है कि है या नहीं, लेकिन ये स्टॉक काफी बेटर दिख रहा है। अगर इस स्टॉक में होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर 66% होल्ड करती है, 5% FI, 8% DI और 20% पब्लिक, यानी 80% बड़े और मोटे निवेशक, प्रमोटर FIDI और 20% पब्लिक और इस समय इस स्टॉक को लेकर के मेरे व्यूज काफी स्ट्रांग हैं। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इस स्टॉक ने 840 तक के लेवल्स बनाए और उसके बाद 24 जुलाई को एक शूटिंग स्टार बना, वहां से स्टॉक जो करेक्ट हुआ वो करेक्शन कितने परसेंट के दिखे, लगभग ये स्टॉक 50% करेक्ट हुआ और इस 50% करेक्शन के बाद स्टॉक अगस्त 2023 से अभी तक एक कंसोलिडेट जोन में दिख रहा है, यानी लगभग 8-9 मंथ हमने एक कंसोलिडेट जोन में देखा। अब यहां से इस कंसोलिडेट जोन को ये ब्रेकआउट करते दिख रहा है, एक बार अपर साइड में ये 580 के आसपास 570 के लेवल्स को ब्रेकआउट करे तो पोटेंशियली स्टॉक डबल के कैंडिडेट दिखता है, डबल का टारगेट दिखता है। तो मुझे लगता है कि ड्रीम फॉक वीकनेस तब तक नहीं आएगी जब तक 490 के नीचे की क्लोजिंग ना दे।
तो ड्रीम फ्रॉग को भी रडार पे लिया जा सकता है। तीसरा स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल स्टॉक जो है मेनली देखेंगे तो सीपीसी सीपीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स के अंदर कंपनी जो है काम करती है, अगर आपको पता नहीं हो तो। और ये सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट कैप के व्यू से अपने इंडस्ट्री में, इसके ऊपर ओनली सुप्रीम इंडस्ट्री है, उसके बाद एस्ट्रल है। एस्ट्रल हायर पी पे ट्रेड करता है क्योंकि इंडस्ट्री का लीडर है, और लीडर हमेशा जो है देखेंगे तो हायर प्राइस अर्निंग रेशियो को ही फॉलो करता है। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप, 98 प्राइस अर्निंग रेशियो, जबकि इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशियो 34 के नीचे है, और 1407 यानी लगभग 1500 के आसपास, 1500 के लोअर प्राइस स्टॉक ने 52 एक लो बनाए और 2150 के आसपास का 52 एक हाई बनाया। लेस वोलेटाइल स्टॉक दिखता है। इसके अगर प्रमोटरशिप को देखें तो जो जो प्रमोटर है वो 54%, जो FI है 21% और DI 12%, यानी ओनली 90% के आसपास का FI, DI और प्रमोटर, ओनली 11.81% पब्लिक। तो फंडामेंटली काफी बेहतर ही दिख रहा है, होल्डिंग पैटर्न्स भी बेटर दिख रहे हैं। एक बार चार्ट को देखें तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास के प्राइस पे दिख रहा है। अगर टेक्निकली देखें तो ये जो जोन आपको दिख रहा है नियर अराउंड 2000 का, ये 2021 से लेकर के 24 तक, यानी पिछले 3-4 साल से ये स्टॉक इसी जोन में है। और यहां देखेंगे एक रिजेक्शन, अगेन एक कंसोलिडेट जोन के अपर प्राइस में रिजेक्शन दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बड़ी तेजी को तैयार है और 2800 टू 3500 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। वीकनेस 1820 के नीचे ही दिखेगा, तो स्लो एंड स्टडी जो है एकुमुलेट एस्ट्रल को भी किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। और इंस्टीट्यूशनल अकाउंट ब्लॉक ट्रेडिंग के नाम पे जो फ्रॉड होते हैं उसके वीडियो हमने मॉर्निंग में अपलोड करा था, उसको भी वॉच आउट करेंगे। थैंक यू।